बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मंचासीन महात्मा गण, सम्मान्य साधक बिंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, आज दीपावली का दिन है। दीपावली के रोज रात्रि में पहले दीपक ही जलाते थे और पंक्ति से सज करके जलाते थे, दीपों की पंक्ति, दीपों का समूह। अब तो और तरह से बिजली के द्वारा सजते हैं लोग, पहले दीप ही अधिक जलाते थे, इसीलिए दीपावली दिवाली नाम पड़ा। उसे लोग सुख रात्रि भी कहते हैं, दीपावली को सुख रात्रि भी, इसलिए सुख मिलता है। है अमावस्या अंधेरी रात, लेकिन सब जगह दीप जलते हुए देखकर के बड़ा सुख मालूम पड़ता है, तो इसलिए सुख रात्रि भी कहा गया। लेकिन बाहर में कितना ही दीप जलाइए, सबको पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति हो जाए या नहीं होता। संत लोग कहते हैं बाहर में दीप क्या जलाते हो, अपने अंदर में दीप जलाओ। संत कबीर साहब ने कहा अपने घट दिया ना बार हुए, घट शरीर के लिए कहा, अपने शरीर के अंदर अपने घट दिया ना बार हुए। बाहर की दीप में दिया चाहिए, तेल चाहिए, बत्ती चाहिए या चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं कि बाहर की तेल बत्ती की आवश्यकता नहीं, नाम का तेल सूरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गार हुए। नाम कहते शब्द को, शब्द बोल करके भी जो जप होता है वह, और संतों की युक्ति के अनुसार जो नादान संधान करते हैं, स्वस्थ सवयोग का अभ्यास करते हैं, उसको भी नाम भजन का कहा जाता है। का नाम का तेल सूरत के बाती, अपने अंदर में जो शब्द हो रहा है उसमें अपनी सूरत को लगाओ। जैसे तेल में बत्ती को डुबो देते हैं तब उसमें आग लगने पर प्रकाश होता है, का उसी तरह से अपने अंदर में जो शब्द हो रहा है उसमें अपने सूरत को लगा दो। नाम का तेल सूरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गार हुए, ऐसा करने से ब्रह्म ज्योति हो जाएगा, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो जाएगा। नाम का तेल सूरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गार हुए, जगमग ज्योति निहारू मंदिर में, का वैसा वैसी ज्योति होगी जैसा बाहर में प्रकाश किसी भी प्रकाश में नहीं, किसी भी तरह का प्रकाश करने पर नहीं। जगमग ज्योति निहारू मंदिर में तन मन धन सब वारू रे, उस ब्रह्म प्रकाश में अपने तन को मन को तन मन धन सब वारू वारे न्योछावर कर दो। तन मन धन सब वारू रे, झूठी जान जगत की आशा, संसार के वस्तुओं में जो सुख मानते हो, संसार के विषयों में जो सुख मानते हो, यह नित्य नहीं है, सब दिन रहने वाला नहीं है। कभी सुख मालूम पड़ता है, जिस वस्तु को पा करके सुख मालूम पड़ता है, सुख का अनुभव होता है, उसी से फिर कभी दुख भी हो जाता है। जैसे धन संपत्ति की प्राप्ति से सुख होता है, वही धन जब छीना जाता है तो दुख भी हो जाता है। धन के कारण ही
चोर आ जाता है, बदमाश आ जाता है, डकैत आ जाता है धन छीनने के लिए, जिनका धन लूटना है तो उसको वे अगर नहीं देते हैं सही सही उनको मार भी डालते हैं। जिनके पास धन नहीं उनके पास डकैत जाएगा कभी? धन छीनने के लिए तो डकैत जाता है, नहीं देने पर, चाबी नहीं देने पर, धन नहीं बताने पर उसको मार भी डालते हैं। तो जिस धन से सुख हो रहा था उसी धन से दुख भी हो जाता है। ऊंचे लोगों की चाहना रहती है कि हमको ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाए, प्राप्त होने पर बड़ा सुख का अनुभव होता है, लेकिन जिन जो ऊंचे पद पर चले जाते उनको दुख नहीं होता। सो नहीं, ऊंचे पद पर रहने वाले के प्रति लोगों को ईर्ष्या द्वेष होता, उस कारण उसको कितने को लोग मार भी डालते हैं। किन्हीं की जीत हो जाती है, ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाती है तो लोग द्वेष करने वाले उनको मार भी डालते हैं। तो पद के कारण भी दुख, पद छीना जाता तब भी दुख। पुत्र नहीं है तब दुख, पुत्र हो जाने पर बड़ा सुख, लेकिन पुत्र जब नहीं ठहरता मर जाता तो फिर दुख। ये बाहर की वस्तुएं ऐसी है जिससे एक समान एक तरह सब दिन सुखदायक बन करके नहीं रहता, उसके साथ दुख हो जाता है। लेकिन अपने अंदर में जो मिलता है भक्त को साधक को, वह छूटने वाला नहीं। वह है क्या? देखने में कोई भी चीज देखने के लिए प्रकाश चाहिए। अंधेरी कोठरी में अंधेरी कोठरी खूब सजी हुई रहे, भाव सुख का साधन रहे, खाने पीने की सामग्रियां बहुत बढ़िया, भोजन रहे बढ़िया, वस्त्र रहे, लेकिन अंधेरी रात रहे और उस कमरा की किवाड़ी खिड़की बंद रहे तो कुछ नहीं देखने में आवेगा। बल्कि किसी व्यक्ति को अगर आंख बंद करके कमरा में ले जाए अंधेरी कोठरी में, छोड़ दे तो उसको निकलना मुश्किल हो जाए। किधर फाटक है देखने में नहीं आवेगा, कहाँ जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा, बहुत दुख मालूम पड़ेगा। तो देखने लेकिन उसी कमरा में और रोशनी जल जाए तो रास्ता भी मालूम पड़ेगा कि होगा कि कितना सजा हुआ कमरा है, खाने पीने की सामग्रियां हैं, बहुत तरह का सुख का साधन है, सुख मालूम पड़ेगा। तो बाहर अंधकार में दुख, प्रकाश में देखने में आता है, सुख मालूम पड़ने लगता है। तो संत कबीर साहब ने जो कहा कि जगमग ज्योति निहारू मंदिर में तन मन धन सब वारुए वारुए झूठी जान जगत की आशा का, उस सुख को प्राप्त करो। अरे बाहर का सुख सत्य नहीं है, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार बिसारुए उसको भूल जाओ। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारुए, कहे कबीर सुनो भय साधो आपन काज संभालुए। ये अपना काम है, अपना काम जन्म जन्मांतर से जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जिस अंधकार में पड़े रहने के कारण जम के फंदे से छूटना नहीं होता। संत कवि साहबी की वाणी में आएगी, एक तो अंधेरी कोठरी ता दिया न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी। वो अंधेरी कोठरी बाहर की कोठरी के लिए नहीं कहा गया, जिस शरीर में हम हैं इस शरीर को ही कोठरी का, इसी में हम हैं पड़े हुए। वहाँ है कैसा? आंख बंद करते हैं घोर अंधकार मालूम पड़ता, कुछ नहीं देखने में आता। दिन में जो देखते हैं वह तो बाहर की रोशनी के कारण, सूरज की रोशनी के कारण, या रात में भी जो देखते हैं
तो बाहरी रोशनी के कारण। लेकिन अगर कोई रोशनी नहीं रहे, सूरज की रोशनी नहीं रहे, बिजली की रोशनी नहीं रहे, लालटेन मोमबत्ती किसी की रोशनी नहीं रहे, तो केवल अंधकार मालूम पड़ेगा। तो बाहर में तो लोग रोशनी का प्रबंध करते हैं, लेकिन अपने अंदर में जहां पर हम हैं वहां कैसा है, वहां बाहर के दिया बत्ती तेल इसे नहीं जला सकती। अपने घट वही नाम का तेल सूरत के भांति ब्रह्म अग्नि उद्गारी, उसको जब करेंगे तब भय नहीं रहेगा। अंधेरी कोठरी में सोए हुए हैं, कोई आदमी अगर उसी अंधेरी कोठरी में रहते अंधकार में रहते हुए खींच करके ले जाने लगे और उसको हम देख नहीं पावे अंधकार के कारण, कितना भय मालूम पड़ेगा कि कहाँ ले जा रहे हैं। बहुत भय मालूम पड़ेगा। तो शरीर छूटने के पहले अगर अपने अंदर में ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति नहीं हुई, तो संत कबीर साहब ने कहा, एक तो अंधेरी कोठरी तहां दिया न बाती हो, बहिया पकड़ जम ले चले कोई संग न साथी हो। जिस शरीर में है वहां घोर अंधकार है, इसी अंधकार में रहते हुए अगर शरीर से निकलना पड़े तो अंधकार ही अंधकार सब जगह रहेगा। बाहर में जो भी आप देखते हैं, एक तो बाहर की रोशनी आपके शरीर में देखने के लिए आंख है, बनावटी आंख ही कहिए, क्योंकि असली आंख असली नेत्र तो अपने अंदर में। तो ये जब तक नहीं प्राप्त होगा तब तक अंधकार में रहेंगे, उसी अंधकार में शरीर छूटेगा और शरीर छूटेगा तो जम के फंदे में फंस जाएगी। जम के फंदे, जम ले जाएंगे। एक तो अंधेरी कोठी तहां दिया न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संगने साथी। करना क्या है? संत कबीर साहब ने कहा, करोड़ मनवादिन की तस्वीर, जब जम राजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुगरिन मार के प्राण निकासत व्याकुल हो शरीर, करोड़ मनवादिन की तस्वीर। संत कबीर साहब कहते हैं कि गफलत में पड़े हुए हो, इस समय तो बीत रहा है, घटत छिन छिन पढ़त पल पल जात न लागत बार, एक एक छन छन एक एक पल पल समय बीत रहा है, अंधकार में पड़े हुए हो। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को इसीलिए कहा, बहुत शास्त्र कथा कंथारो मंथेम वृथ विकिम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न न मारुते ज्योतिरांतरम। काहे हनुमान जी, हनुमान जी कितने भगवान के भक्त थे, उनको भी भगवान ने कहा, हे हनुमान जी, अरे बाहर की कथाओं को मथने से क्या लाभ, अत्यंत यत्नवान होकर के अपने अंदर की ज्योति की खोज करो। भगवान बुद्ध ने भी कहा, को दुहासो किमानंदो निचंग पज्जलिते सती अंधकारे नो नग्धा पदिमन गवे सत। हंसी कैसी है, खुशी कैसी है, अरे अंधकार में पड़े हुए पर प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते। सभी संतों ने कहा कि तुम्हारे अंदर में जो प्रकाश है, अभी जो अंधकार पाते हो, लेकिन अंधकार ही नहीं है, अंधकार के घेरे को पार करने का प्रयत्न करो, प्रकाश में चले जाओगे। यही अपना काम, आपन काय समारू रे। संत कबीर साहब ने कहा कि नाम का तेल सूरत के बाती जगमग ज्योति निहारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार बिसारू रे, कहे कभी सुनो भय साधो आपन काय समारू, अपना काम। और इसी काम के लिए हम लोगों के परमा राजगुरुदेव ने भी कहा कि समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम।
बहुत समय तो बीत गया, मनुष्य शरीर परमात्मा ने तुम्हें दिया, लेकिन सब दिन तो रहेगा नहीं, सब दिन रहेगा नहीं, या तो बीतते जा रहा, दिन बीतत जावे, आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम, दिन बीतता जा रहा, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ यह मनुष्य का शरीर जो मिला है छूटने पर, अगर इस जीवन में अंत प्रकाश को खोज करने का प्रयत्न नहीं किया, बाहर के सुख में ही भूला हुआ रह गया, कई खाना कई सोना और न कोई चित, सतगुरु शब्द विसारिया आदि अंत का मित, केवल कमाने खाने में भोगों को भोगने में समय बीत हो गया, बीत गया, तो ऐसा तो बीतता ही जा रहा है, बहुत कम समय है, बहुत कम समय का, जो समय बीत गया तो बीत गया, समय गया फिर ताले हुआ तो वापस नहीं आवेगा, लेकिन जो जो ही बाकी है, जितना ही बाकी है, समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अबहु बहो गुरु नाम, संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल देकान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतों, संतों के इस विचार को, इस कल्याणकारी ज्ञान को अगर नहीं करेंगे तो अपना कल्याण नहीं होगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत दुख में पड़ जाएंगे, इसलिए यही इस काम को करो, ये अंत प्रकाश की खोज करो, ये सभी संतों ने कहा, इसी के लिए मानव शरीर मिला, और इसकी खोज करेंगे, जैसे बाहर में कहीं जाते हैं प्रकाश है तब, दिन के समय तो सूर्य का प्रकाश रहता ही है, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, रात्रि में भी पास भी कहीं जाना होता तो कोई रोशनी टोर्च ही ले लेते हैं कि कहीं पर सांप न रहे, तो उस पर पेड़ न पड़ जाए, गड्ढा में या कांटा पर न पड़ जाए, तो कुछ न कुछ रोशनी ले लेते हैं थोड़े दूर जाने के लिए, लेकिन वो जो जाना है लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ हो मार्ग, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा मार्ग दूर घर बहुत दूर जाना है, विकट पंथ रास्ता बहुत विकट है, इसलिए उस रास्ते पर अगर प्रकाश नहीं, उस पर चलने के लिए अगर प्रकाश नहीं मिला तो बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत दुख का भोग भोगना पड़ेगा, इसीलिए सभी संतों ने कहा कि इस काम को करने का प्रयत्न करो, यही अपना काम है, इसी से अपना परम कल्याण होगा। कितना समय हो गया, 5 और आरती कही है।